इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी। विशाल जनसमूह में अपने घरों से बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए निकले दिल्ली के जुझारू साथियों, आप सभी का जंतर मंतर की धरती पर स्वागत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जो संघर्ष किया जा रहा है, और बड़े ताज्जुब की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, आज इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा होके कह रहा है जी वोट डलवाओ, हमारी चुनी हुई सरकार लेके आओ। इनको शर्म आनी चाहिए जे अच्छे दिन आने वाले जो बैठे हैं दिल्ली की सत्ता पर। दोस्तों, सबसे पहले संसद में मुझे बोलने का मौका मिला जनरल बजट पर, तो मैंने कहा था कि बुलेट ट्रेन की बातें करते हो, दूसरी तरफ दिल्ली वालों को सुझाव देते हो 10 से 12 बल्ब ना चलाना, 3 से 4 एसी ना चलाना, 10 बजे के बाद शॉपिंग मॉल ना जाना। मैंने कहा ये तो पाबंदियां लग रही हैं, दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन की बातें चल रही हैं, बिजली नहीं है तो बुलेट ट्रेन कैसे चलेगी, बिजली दिल्ली की पूरी कर लो पहले। दिल्ली में बिजली पानी की समस्या हमने पुरजोर तरीके से संसद में उठाई। संसद में हम जब बोलते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आज किसी ना किसी की बखियां उधेड़ी जाएंगी, इनको पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए आम लोगों की जुबान है, आम लोगों की भाषा है, आम लोगों की समस्याएं हैं। मैंने पूछा था कौन से चेंज की बात कर रहे हो मोदी साहब, कौन सा बदलाव आ गया। 117 एमपी 282 में 117 एमपी बीजेपी में वो हैं जो पिछली बार कांग्रेस में थे, उनके तो अच्छे दिन चल ही रहे। 3-4 मंत्री ऐसे हैं जो हर कैबिनेट में होते हैं, उनके बारे में मैं मोदी साहब को एक सुझाव दूंगा। जो हर कैबिनेट में मंत्री होते हैं उनके बारे में मोदी साहब को एक सुझाव दूंगा कि कम से कम उनकी शपथ तो बदल दो, वो शपथ लें कि मैं शपथ लेता हूं, जो भी शपथ लेगा मैं तो शपथ लूंगा ही लूंगा। हर कैबिनेट में मंत्री होते हैं। मीडिया वालों को भी मैं कहता हूं, क्या प्री पोल आप सर्वे करवाते रहते हो, कौन जीतेगा कौन जीतेगा, इन 2-3 मंत्रियों को पूछ लिया करो, जिस पार्टी की तरफ 2-3 महीने पहले जाते हैं वो जीतती है। मजाक बना रखा है इन्होंने लोकतंत्र का, मजाक उड़ा रखा है। पार्लियामेंट में हम इनसे पूछते हैं कि कौन से चेंज आ गया, कौन सा बदलाव आ गया। पार्लियामेंट यहां से 2 मिनट का रास्ता है, सेंट्रल हॉल में सभी बैठते हैं, खाना खाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना है, बहुत ही ज्यादा सस्ता है। और मैं 0 आवर में क्वेश्चन उठाने वाला हूं कि अब तो अच्छे दिन आ चुके हैं, इसलिए इसी क्वालिटी का खाना इसी रेट पर पूरे देश के लोगों को अस्पताल की कंटीनों में, रेलवे की कंटीनों में, कॉलेज की कंटीनों में मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। वरना अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप पकड़े गए हो, आपको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। क्यों कहते हैं ना, ये कहते हैं कि 26 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं होता, तो जरूर आपने ये बात सेंट्रल हॉल में इस कंटीन में बैठ के बनाई होगी, क्योंकि वहां 26 वाला गरीब नहीं है, वहां 26 में 4 आदमी रोटी खा सकते हैं, ये इनके लिए फैसिलिटियां। अभी और फैसिलिटियां बढ़ाने की बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। हम चारों सांसद इस बात का विरोध करेंगे कि हमें और फैसिलिटियां मत दो, अगर सहूलत देनी है तो लोगों को दो जिन्होंने चुन के भेजा है। अच्छे दिनों की बात करते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों की आवाज, दिल्ली वालों की आवाज संसद में गूंजेगी। जब दिल्ली के बजट पे मैं बोल रहा था तो मैंने पूछा था
अरुण जेटली जी अभी भी पोस्टर लगे पड़े हैं फटे पुराने दीवारों पर दिल्ली के, कि 30% बिजली के रेट कम कर देंगे। आपने तो 9.4% बढ़ा दिए, कहां गए वो वादे? जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी 20,000 लीटर पानी पर हाउस फ्री आता था, टैंकर माफिया पर कंट्रोल हो गया था, इन्होंने आते ही वो पानी जो है वो भी बंद कर दिया और टैंकर माफिया फिर सक्रिय हो गया। दिल्ली में ये जो आम आदमी पार्टी ने सब्सिडी दी थी बिजली पर वो भी खत्म कर दी, शीला दीक्षित के समय से जो चलती थी वो भी खत्म कर दी, और उसके बाद 260 करोड़ रुपए का एक छोटा सा लॉलीपॉप थमा दिया कि हमने भी कम कर दिया। 10 रुपए बढ़ा के 2 रुपए कम कर देते हैं, 2 को ही गाते रहते हैं, 2 कम किए 2 कम किए, अरे 8 बढ़ाए भी तो हैं, वो याद नहीं रहते इनके, मैं याद करवाता हूं फिर वहां पे। फिर जेटली साहब को थोड़ा थोड़ा पसीना आता है माथे पर। और जेटली साहब तुम तो मत बोलो संसद में, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्ना जी के आंदोलन के समय सबसे ज्यादा जेटली, मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल बोलते थे सड़क से कानून नहीं बनते, चुन के आइए चुन के आइए। हम तो चुन के आ गए, तुम चुन के आओ, तुम चुन के आओ। आपको लोगों ने हरा के भेजा है, अमृतसर की जनता ने 1.25 लाख बहुमतों से हरा के भेजा अरुण जेटली को। और कैसी बात है, एक फौजी अफसर ने अरुण जेटली को हरा दिया, मोदी ने उनको फौजियों का ही मंत्री बना दिया। अरे इतनी क्या जरूरी हो, देश में अकाल पड़ गया क्या इंटेलिजेंट लोगों का? वहीं से लेने हैं राज्यसभा से, जो लोगों ने रिजेक्ट कर दिए उनको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए, जो पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिए। तो ये संख्या से नहीं बनोगे आप, ये गिनती से आप नहीं राज कर पाओगे। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मोदी साहब मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये गिनती से नहीं कर सकते राज, राज करते हैं जो दिलों में रहते हैं, और दिलों में कौन रहते हैं? अरविंद केजरीवाल दिलों में रहते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता दिलों में रहते हैं, ये बात कर रहे हैं। आज जंतर मंतर भरा पड़ा है, आज आप आ गए हैं। कुछ दिन पहले इराक में जो फंसे हुए भारतीय हैं पंजाबी, उनकी फैमिलीज आई थी यहाँ पे, मैं वहां पे यहाँ पे आया था, पार्लियामेंट सीट थाना से परमिशन दिलवाई थी। कैसी बात है कि हमें अपने बेटे बेटियां जो के मुश्किल में हैं, जिनकी जान खतरे में है, उनका ध्यान उनको वापस देश बुलाने के लिए भी जंतर मंतर पर धरना देना पड़ता है, धरना देना पड़ता है। तो मैंने पार्लियामेंट में जो कविता बोली थी वायरल हो गई है सोशल मीडिया पर, क्योंकि समय कम था, मुझे बोला गया 2 मिनट मिलेंगे, मैंने कहा 1 मिनट 42 सेकंड में काम कर दूंगा, एक बार नाम ले दो बस मेरा, तो पता नहीं क्या करेगा 1:42 में। तो बीजेपी वाले आधा घंटा तो इस बात पे जाता है कि मैं शब्द वापस लेता हूं। अरे ऐसे शब्द लेके क्यों आते हो जो वापस लेने पड़ते हैं? ये कांग्रेस वाले बोल रहे थे, नसीहत दे रहे थे दिल्ली बजट पर के बीजेपी वालों ऐसा मत करना वरना आपका हशर आम आदमी पार्टी जैसा होगा, आम आदमी पार्टी ऐसा मत करना वरना आपका हशर इसके जैसा होगा। मैंने खड़ा होके संसद में बोला, मैंने कहा कांग्रेस वालों तुम लोगों को हशर मत बताओ, अपने घर का हशर देख लो पहले। दिल्ली का टेम्परेचर पहली बार हुआ इतिहास में, कांग्रेस ने बड़ा इतिहास बनाया है कि दिल्ली का टेम्परेचर कांग्रेस के एमपी की गिनती से ज्यादा रहता है। टेम्परेचर 48 है, वो 44 है। तुम मत बोलो, मैंने कहा जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सो दोस्तों, कविता में मैंने क्या बोला था, कविता एक ऐसा जरिया है जिसमें आप घंटे 1 घंटे भाषण दो, घंटों बोलते रहो, लेकिन कविता 2 मिनट में हो जाएगी। तो संजय भाई ने मुझे याद करवाया, मैंने एक और बात भी बोली थी,
मैंने कहा दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, अब तो दिल्ली की माएं अपने बच्चों को शाम को कहानी भी सुना सकती हैं। छोटी सी कहानी है, सबसे मेरे ख्याल में शॉर्ट, सबसे ये रिकॉर्ड में भी आ सकती है। सबसे छोटी कहानी क्या है दिल्ली में? एक थी कांग्रेस, बस खत्म, और क्या बोलोगे? थी वो तो थी, जैसे हमें सुनाते नहीं थे, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसी जो हमें हमारी दादी दादे दादी सुनाते थे। तो कविता में मैंने क्या बोला था वो मैं आपके साथ फिर एक बार यहां से इस मंच से शेयर करना चाहता हूं। पहले किराया बढ़ाया रेल का, फिर नंबर आया तेल का, खुद ही 10 साल करते रहे नुक्ता चीनी, आते ही 2 रुपए किलो महंगी कर दी चीनी। हर कोई आम आदमी को सपने दिखाकर ठग रहा है, मोदी साहब हमें डर चीन से नहीं चीनी से लग रहा है। दुनिया मून पर, सरकार हनीमून पर, पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं, महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं, लोगों को तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं। मोदी साहब बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं? शायद पता नहीं है कि इराक है किस इलाके में, शायद पता नहीं है कि इराक है किस इलाके में, भारतीय इराक में फंसे हैं। विदेश मंत्री गई थी ढाके में, विदेश मंत्रालय का वो वफद बंगलादेश क्या 10 दिन बाद नहीं जा सकता था? क्या कंधार की तरह विदेश मंत्री का जहाज बगदाद नहीं जा सकता था? हमारे देश के लोग तो बहुत हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने इस महंगाई के दौर में भी बच्चे पाले हैं। लूटने वाले ज्यादा, बस गिनती के रखवाले हैं। प्लीज बता दीजिए मोदी साहब अच्छे दिन कब आने वाले हैं? कल रात मेरे सपने में बुलेट ट्रेन आई, कल रात मेरे सपने में बुलेट ट्रेन आई, मैंने कहा जी बधाई हो बधाई, सुना है तुम मेरे देश आ रही हो, मेरे देश की तरक्की की स्पीड बढ़ा रही हो। तो बुलेट ट्रेन बोली मेरा शिकवा किसी गाय या भैंस से नहीं, अरे मैं बिजली पे चलती हूँ गोबर गैस से नहीं। मोदी साहब के भाषण लोगों को खूब जचे हैं, एक ही राहत की बात है कि विदेशों से काला धन वापस आने में मात्र 25-30 दिन बचे हैं। हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमने तो हर सरकार से डंडे खा ले हैं, हमने तो सड़कों पर और पार्लियामेंट में ये पूछने के लिए ही मोर्चे संभाले हैं, टेल मी मिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छे दिन कब आने वाले हैं? तो दिल्ली में चुनाव करवाओ, पता चल जाएगा मोदी साहब की हवा चल रही है या निकल रही है। मुझे एक बीजेपी का भी एमपी मिला था, अंदर की बातें बताऊंगा मैं तो। मैंने कहा कैसे हो? कहता भाई साहब बुरा हाल हो गया है। मैंने कहा क्या? कहता गडकरी के घर से तो लिसनिंग डिवाइस ही मिला है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी ने साइलेंट डिवाइस लगा रखा है। जब से मोदी साहब 56 इंच के सीने वाले हमारे वाले बने हैं, ये मनमोहन सिंह से भी ज्यादा चुप हो गए, बोले ही नहीं उस दिन से। कहते पता कराओ। मैंने कहा तुम पता कराओ भाई क्या हो गया है। तो इसलिए जिम्मेदारियों से भाग रही है बीजेपी, अगर उनको मैदान में तो आना ही होगा। पंजाबी में कहावत है कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागती, आंखें बंद करने से दिल्ली वाले आपको माफ नहीं करेंगे। यहाँ पे चुनाव करवाइए। मैंने दिल्ली बजट के समय दिल्ली वालों पर 4 लाइनें बोली थी, वो बोलकर मैं अपना स्थान लूंगा, क्योंकि आगे बहुत से और स्पीकर हैं, बुला रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त करने हैं। कि दिल्ली वालों, दिल्ली के लिए मैं बोला था कि कभी टमाटर ने कभी प्याज ने, दिल्ली खाली है बीजेपी कांग्रेस के राज ने। और महंगाई से दुखी आम आदमी, दुकान वाले, रेड़ी वाले, रिक्शे वाले और हुटर वाले और स्कूटर वाले बात ही नहीं सुनते लाल बत्ती और हुटर वाले। मैंने सुना था कि दिल्ली बड़े दिल वालों की है, लेकिन
बीजेपी के द्वारा बजट जो पेश किया गया उससे तो लगता है दिल्ली बड़े बिल वालों की है। यहाँ बिल बड़े आते हैं उससे दिल डरते हैं, इसलिए दिल्ली को बड़े बिल वालों की नहीं बड़े दिल वालों की बना के रखेंगे। आम आदमी पार्टी इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। एक बार फिर मेरी तरफ से दोनों हाथ ऊपर करके दो नारे लगाएंगे, शहीदों के नारे हैं, उनको उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। चलो हैं कुछ लोग जंतर मंतर पे जिन्होंने हमारा दिया बुझने नहीं दिया। दोनों हाथ ऊपर जाके इनकलाब जिंदाबाद गूंजे, सुने प्रधानमंत्री हाउस तक के क्या हो रहा है आज जंतर मंतर में। इनकलाब, इनकलाब, इंकलाब, बंदे भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।